अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बैंडविड्थ, हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। इसमें अब हम इस टॉपिक पे पहुंच गए हैं, बैंडविड्थ। और इसके अलावा हम इसके अंदर बेस बैंड और ब्रॉडबैंड भी देखेंगे। बैंडविड्थ होता है कि डाटा जब आप ट्रांसमिट करते हैं तो वो इन अ फॉर्म ऑफ सिग्नल्स ट्रांसमिट होता है, सही है। तो बैंडविड्थ क्या होता है कि इन यूनिट टाइम, एक कुछ खास मुद्दत में, कितना अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसमिट हो गया है थ्रू द कम्युनिकेशन मीडियम। अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू द कम्युनिकेशन मीडियम इन अ यूनिट टाइम, ठीक है। एक खास टाइम में कितना डाटा ट्रांसमिट कर दिया इसने। एनालॉग सिग्नल्स का बैंडविड्थ मेजर होती है हर्ट्ज में या फिर साइकल्स पर सेकंड में, जबकि डिजिटल सिग्नल्स की बैंडविड्थ मेजर होती है बिट्स पर सेकंड में, सही है। क्योंकि डिजिटल सिग्नल्स बिट बाय बिट जो है डाटा ट्रांसमिट होता है, जबकि एनालॉग सिग्नल्स इन फॉर्म ऑफ वेव्स होता है, तो इसलिए एनालॉग सिग्नल्स की हर्ट्ज में होगी। अच्छा, डिफरेंट ट्रांसमिशन मीडियम मीडिया हैव डिफरेंट बैंडविड्थ, ठीक है। हर एक की अलग बैंडविड्थ होगी। जिसकी ज्यादा बैंडविड्थ होगी, इसका मतलब है कि वो ज्यादा इंफॉर्मेशन एट अ टाइम ट्रांसमिट कर सकता है, सही है। ज्यादा बैंडविड्थ का मतलब है वो ज्यादा इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करेगा। आगे आ जाता है, नेक्स्ट टर्म आती है बेस बैंड एंड ब्रॉडबैंड। बेस बैंड होता है एक ऐसी कम्युनिकेशन टेक्निक जिसमें डिजिटल सिग्नल्स को डायरेक्टली ट्रांसमिट कर दिया जाता है विदाउट चेंजिंग इनटू एनालॉग सिग्नल्स, सही है। बेस बैंड सिग्नल्स यानी डिजिटल सिग्नल्स होते हैं, उनको एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट नहीं किया जाता। कुछ कम्युनिकेशन मीडिया ऐसे होते हैं जो कुछ मतलब लाइंस ऐसी होती हैं, कुछ चैनल ऐसे होते हैं जो कि डिजिटल सिग्नल्स को ही कैरी करते हुए डेस्टिनेशन तक लेके जाते हैं, यानी रिसीवर तक पहुंचाते हैं, ठीक है। अभी तक हमने क्या बात की थी, हम जो बात कर रहे थे कि एक सेंडर है, ठीक है, और एक रिसीवर है, उसने डाटा सेंड करना है यूजिंग टेलीफोन लाइन। हम टेलीफोन लाइन की बात कर रहे थे और हम कह रहे थे कि सेंडर और रिसीवर दो कंप्यूटर्स हैं जो कि डिजिटल सिग्नल्स पे काम करते हैं, जिनके अंदर डिजिटल डाटा होता है। जब वो टेलीफोन लाइन पे डाटा को ट्रांसमिट करते हैं तो टेलीफोन लाइन उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करती है, जबकि बेस बैंड ऐसा नहीं करता। बेस बैंड क्या करता है कि वो जो कम्युनिकेशन चैनल होता है वो कम्युनिकेशन चैनल 1010 की फॉर्म में ही डाटा को ट्रांसमिट कर रहा होता है, सही है, विदाउट यूजिंग मॉड्यूलेशन टेक्निक। यानी डिजिटल को एनालॉग और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट नहीं कर रहा होता। इट ट्रांसमिट्स ओनली वन सिग्नल एट अ टाइम, यानी एट अ टाइम सिर्फ डिजिटल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है, इसको बेस बैंड बोलते हैं। जबकि ब्रॉडबैंड क्या होता है, ब्रॉडबैंड एक ऐसी कम्युनिकेशन टेक्निक है जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा यानी वॉइस डाटा या वीडियो डाटा को ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत लंबे डिस्टेंस तक जो है ना ट्रांसमिट किया जा सकता है। डाटा सेंट बाय मॉड्यूलेटिंग ईच सिग्नल ऑन टू अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, सही है। इसमें FDM यानी फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक यूज होती है, जिसमें मल्टीपल सिग्नल एट अ सेम टाइम ट्रांसमिट किए जा सकते हैं। इट इज फास्टर देन बेस बैंड, सही है। अच्छा, ब्रॉडबैंड जो होता है, ब्रॉडबैंड इज द बैंडविड्थ यूज फॉर डायरेक्ट कम्युनिकेशन, डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन वेरी हाई स्पीड कंप्यूटर्स सच एज मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। बैंडविड्थ में माइक्रोवेव्स, सैटेलाइट्स, फाइबर ऑप्टिक केबल्स, मीडिया, ये सब कुछ आ जाता है। जो हमारा PTCL का नेट आता है ना, ये भी ब्रॉडबैंड टेक्निक यूज करते हुए आता है, सही है। ब्रॉडबैंड टेक्निक यूज होती है क्योंकि ब्रॉडबैंड इसका जो है ना, जब आप कभी PTCL की कंप्लेन करवाई हो तो फिर उसमें वो यही पूछता है कि आपने किसकी कंप्लेन करवानी है, टेलीफोन लाइन की या ब्रॉडबैंड की, सही है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है कम्युनिकेशन मीडिया। कम्युनिकेशन मीडिया होता है अ पाथ थ्रू विच डाटा इज ट्रांसमिटेड, ऐसा पाथ जिसके जरिए डाटा को ट्रांसमिट किया जाता है वो कम्युनिकेशन चैनल, ठीक है। इसको कम्युनिकेशन चैनल भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम कम्युनिकेशन चैनल है, सही है। जिसके जरिए डाटा को ट्रांसमिट किया जाता है, किस रास्ते के जरिए। फॉर एग्जाम्पल, हम चलो पोस्ट ऑफिस की एग्जाम्पल ले लेते हैं, आम रियल लाइफ की, कि आपने कोई पोस्ट सेंड की है, यानी आपने कोई खत, लेटर कह लेते हैं, लेटर आपने लिखा है फ्रॉम सेंडर, यानी आप सेंडर हो, टू रिसीवर जिसको आपने लिखा है उस तक पहुंचाना है, तो वो किस तरह से जाएगा, किसी ना किसी कम्युनिकेशन मीडिया के जरिए जाएगा, यानी या तो वो रोड के बाय रोड जाएगा, या बाय एयर जाएगा, या बाय ट्रेन जाएगा। तो ये जो बाय रोड, बाय एयर, बाय ट्रेन, ये क्या चीज शो कर रही है, कम्युनिकेशन मीडिया या चैनल, कम्युनिकेशन चैनल के किस तरह से मैसेज उधर तक पहुंचेगा। इसकी एग्जाम्पल्स में अब ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। आप ये नीचे फिगर देखें, कम्युनिकेशन मीडिया दो तरह के होते हैं, एक होते हैं गाइडेड मीडिया, एक अनगाइडेड मीडिया।
गाइडेड मीडिया होता है वायर्ड, यानी कि सेंडर और रिसीवर के दरमियान में इनका कम्युनिकेशन जो आपस में कनेक्शन बना हुआ है वो तारों के जरिए बना हुआ है, किसी वायर लगी हुई है. सेंडर और रिसीवर अगर दो कंप्यूटर है तो इनको एक तार ने कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है. तो वो तार जो है कम्युनिकेशन चैनल है जिसके जरिए मैसेज ट्रांसफर हो सकता है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर. अनगाइडेड मीडिया होता है वायरलेस, इसके अंदर कोई तारे नहीं होती. वायरलेस का नाम तो लफ्ज तो आपने आम सुना होगा. वायरलेस का मतलब है कि वेव्स के जरिए डाटा या मैसेज या इंफॉर्मेशन जो है ट्रांसमिट होती है, ठीक है. अच्छा, वायर्ड में हम तीन तरह की पढ़ेंगे, तीन तारे पढ़ेंगे, तीन केबल्स पढ़ेंगे, ठीक है. कौन कौन सी? ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल और फाइबर ऑप्टिक. और अनगाइडेड में हम तीन तरह के पढ़ेंगे, जैसे है माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, कम्युनिकेशन सैटेलाइट और मोबाइल कम्युनिकेशन. इनको वन बाय वन हम देख लेते हैं. सबसे पहले आ जाता है गाइडेड मीडिया. पहले इनको देख लें जो है मेन जो हमारी अपर कैटेगरीज थी. गाइडेड मीडिया है कम्युनिकेशन डिवाइसेस, ऐसी कम्युनिकेशन डिवाइसेस दैट आर कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होती है वाया केबल्स और फिजिकल मीडिया. फिजिकली कोई चीज मौजूद होती है, ठीक है. डाटा सिग्नल्स आर बाउंडेड टू अ केबलिंग मीडिया, जो केबल्स के ऊपर बाउंड होते हैं डाटा सिग्नल्स, यानी केबल के जरिए ही सेंडर से रिसीवर तक डाटा सिग्नल्स ट्रेवल करेंगे. केबल के जरिए इधर उधर नहीं जा सकते, एक पाथ स्पेसिफाइड होता है. चूंकि ये बाउंड होते हैं केबल के ऊपर इसलिए इनको बाउंडेड मीडिया भी बोलते हैं. ये तीन तरह की एग्जांपल्स हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक, जो कि हम आगे देखेंगे. नेक्स्ट आ जाता है अनगाइडेड मीडिया. अनगाइडेड मीडिया होता है कि कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो कि आपस में डाटा सिग्नल सेंड एंड रिसीव कर रही होती है यूजिंग या थ्रू एयर और स्पेस, हवा में या स्पेस में एक दूसरे के जरिए इंफॉर्मेशन सेंड और रिसीव कर रही होती है डाटा सिग्नल, ठीक है. इसको वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया भी बोलते हैं, ठीक है. इट इज कम्युनिकेटेड इन अ फॉर्म ऑफ वेव. वो डाटा सिग्नल वेव की सूरत में एक ये सेंडर है, ठीक है, ये रिसीवर है. इन दोनों तक डाटा सिग्नल कैसे जाएंगे? वेव्स की सूरत में जाएंगे, ठीक है. कुछ इस तरह की वेव्स होंगी, कुछ ऐसे इस तरह से कुछ बनी होंगी, ठीक है. ये वेव्स की सूरत में जाएंगे, कोई फिजिकल मीडिया इनके बीच में नहीं मौजूद, कोई स्पेसिफिक पाथ नहीं दिया गया, ठीक है. प्रोवाइड मींस टू ट्रांसमिट डाटा सिग्नल्स बट डज नॉट गाइड देम अलोंग अ स्पेसिफिक पाथ. अच्छा, इसमें डाटा सिग्नल्स आर नॉट बाउंडेड टू केबलिंग मीडिया, इसमें किसी केबल के साथ बाउंड नहीं है, तो इसलिए इसको अनबाउंडेड मीडिया भी कहते हैं. अनगाइडेड को अनबाउंडेड मीडिया भी कहते हैं. इट इज यूज्ड व्हेन इट इज इम्पॉसिबल टू इंस्टॉल केबल्स. कब इम्पॉसिबल होता है केबल का इंस्टॉल करना? जब आपके पास बहुत लॉन्ग डिस्टेंस हो सेंडर और रिसीवर के दरमियान में, कि आप बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाए केबल्स का इस्तेमाल करना, ठीक है. जब आपका ज्योग्राफिकल एरिया बहुत ज्यादा हो तब अनगाइडेड मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है. डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड थ्रू दिस मीडियम. पूरी दुनिया में कहीं भी, चूंकि डिस्टेंस बढ़ गया तो कहीं पर भी आप डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं. इसकी एग्जांपल्स में माइक्रोवेव कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन, कम्युनिकेशन सैटेलाइट और मोबाइल ट्रांसमिशन आ जाते हैं. अब ये सबको बारी बारी देख लेते हैं. सबसे पहले आ जाते हैं गाइडेड मीडिया. गाइडेड मीडिया यानी बाउंडेड मीडिया, यानी तारों केबलिंग, केबल्स पढ़ेंगे इसमें हम. सबसे पहले आ जाती है गाइडेड मीडिया में ट्विस्टेड पेयर केबल. इसको आप लोगों ने अक्सर आप लोगों ने अपने घरों में देखा होगा. आप लोगों ने अगर कभी टेलीफोन की तार, वो जो होता है ना छुरी से पहले खुरच के और फिर उस तार को जो है कनेक्ट कर रहे होते हैं, या तो किसी किसी आप क्या कहते हैं उसे, स्विच वगैरह के साथ, ठीक है, तब आप लोगों ने इसको देखा होगा, तब आपने इसको खोल के थोड़ा एक्सपीरियंस किया होगा. एक्चुअली होता यह है कि इसमें ये मुख्तलिफ तारे जो है आपस में ट्विस्ट हुई होती है, ठीक है. पेयर ऑफ पेयर जो है मुख्तलिफ आपस में ट्विस्ट हुई होती है, इसलिए इसको ट्विस्टेड पेयर का नाम देते हैं. सही है. इट इज यूज फॉर शॉर्ट डिस्टेंस डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन. शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज होती है. अच्छा, इसमें डाटा ट्रांसमिशन रेट क्या है? 96 बिट्स पर सेकेंड एट 100 मीटर्स डिस्टेंस, ठीक है. इसको लोकल एरिया नेटवर्क में यूज किया जाता है क्योंकि इसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है, 100 मीटर तक है. इसको इट इज ऑल्सो यूज इन टेलीफोन लाइन्स टू कैरी वॉइस एंड डाटा सिग्नल्स. जैसे अभी बात की टेलीफोन लाइन्स, आपके टेलीफोन की तारें इस तरह की होती हैं, सही है, उसमें इसका इस्तेमाल होता है. इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है ये आपको सामने दिख रहा है. इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ कॉपर वायर्स. ये कॉपर वायर है, इसके पेयर्स होते हैं कॉपर वायर्स के, मुख्तलिफ यानी दो दो कॉपर वायर्स आपस में पेयर में होती हैं, जो कि आपस में ट्विस्ट हुई होती हैं, ट्विस्टेड टूगेदर इन पेयर्स.
वायर क्या होती है, वायर इज कवर्ड बाय इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है, उसके ऊपर प्लास्टिक की, ये जो प्लास्टिक है ना, ये इंसुलेटिंग मटेरियल है, इसके साथ कवर हुआ होता है, सही है, कॉपर ही होती है, अगर आपने उसको कभी खुरच के देखा हो ना, अंदर से कॉपर कलर की वायर निकलती है। अच्छा, ट्विस्टिंग ऑफ वायर्स प्रोटेक्टिंग प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम इंटरफेरेंस बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये ऊपर एक जैकेट चढ़ा दी जाती है, और ये जो इसके ऊपर जो प्लास्टिक कोटिंग होती है, ये बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बाहर से आने वाली वेव्स को इफेक्ट नहीं करने देती, वो इंटरफेरेंस नहीं कर सकती, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करती है बाहर से आने वाली वेव्स के इंटरफेरेंस से। सो ये नेक्स्ट आ जाता है इसकी टाइप्स, दो टाइप्स हैं ट्विस्टेड पेयर की, एक शील्डेड और एक अनशील्डेड। शील्डेड का मतलब है शील्ड से ही पता चल रहा है आपको, प्रोटेक्टेड, कि कोई शील्ड होगी जो कि प्रोटेक्ट करेगी इसको। एक्चुअली होता यह है कि एक प्रोटेक्टिंग मटेरियल इस पूरी ट्विस्टेड पेयर के इर्द गिर्द एक मटेरियल को से सराउंड कर दिया जाता है, उसको मटेरियल चढ़ा दिया जाता है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को रिड्यूस कर देता है, ठीक है, यानी बाहर से आने वाली जो बाहर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं वो इंटरफेयर नहीं कर पाती, जिसकी वजह से आपका सिग्नल जिस असल हालत में, जिस हालत में सेंडर भेजता है, उसी तरह एज इट इज रिसीवर तक पहुंच जाता है विदाउट डिस्टॉर्शन, विदाउट एनी नॉइस, कोई उसके अंदर सिग्नल लॉस नहीं हो पाता। अगर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस ऐड हो जाए तो वो आपका जो डाटा सिग्नल है या जो आपका मैसेज है वो, या इंफॉर्मेशन या डाटा जो भी सेंड हो रहा है वो लॉस होने का खतरा होता है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोटेक्टिंग मटेरियल जो है ना उससे सराउंड कर दिया जाता है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल को। अनशील्डेड में ऐसा कोई प्रोटेक्टिंग मटेरियल मौजूद नहीं होता। अच्छा, जो शील्डेड केबल है वो फास्टर होती है देन यूटीपी, एसटीपी कह रहे हैं शील्डेड ट्विस्टेड पेयर को और यूटीपी अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर को, लेकिन ये ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। यूटीपी जो है वो ज्यादातर लैन में इस्तेमाल होती है, क्योंकि लैन हमारा विद इन अ बिल्डिंग होता है, तो विद इन अ बिल्डिंग बहुत ज्यादा चांसेस नहीं होते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस के, मतलब डिपेंड करता है कि आप इसको इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं। अगर वो तार तो कहीं बहुत बाहर से जो है घूम फिर के कहीं तक आनी है तो कोशिश करें कि एसटीपी लीड केबल ली जाती है, अदरवाइज यूटीपी से भी काम चला लिया जाता है, या टेलीफोन सिस्टम, इसमें भी ज्यादातर यूटीपी का इस्तेमाल होता है, या इसको सिक्योरिटी कैमरास में भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है कोएक्सियल केबल, इसको कोएक्स भी बोलते हैं, कोएक्सियल केबल को कोएक्स भी बोलते हैं। आपने इस केबल को अक्सर देखा होगा, कभी आप लोगों ने देखा हो, आप लोग जो टीवी की केबल होती है ना, जो आप लोगों की टीवी की बाहर से केबल आ रही होती है, वो कोएक्सियल केबल होती है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ये देखें, ऐसी शक्ल होती है ना उस केबल की, जब आप उसको टीवी के साथ अटैच करते हैं तो आपने देखी होगी इसकी ऐसी शक्ल होती है। इसके अंदर एक सॉलिड, एक सिंगल सॉलिड कॉपर वायर होती है, जो ये वाली आपको दिख रही है ना, ये वाली वायर होती है, ठीक है, इसको इनर कंडक्टर भी बोलते हैं। सॉलिड वायर होती है इसकी, फिर उसके ऊपर तीन लेयर्स होती हैं मुख्तलिफ, ठीक है। वो तीन लेयर्स कौन सी होती हैं? एक पहले इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, इनर इंसुलेटिंग लेयर, ये वाली इंसुलेटिंग मटेरियल क्या करती है कि इसने इनर कंडक्टर को, इस कंडक्टर को जो है ना कवर किया होता है। फिर एक होता है मैश, ये जो आपको मैश दिख रहा है जाली सी, ये तो आप सब ने देखी होगी अपने घरों में, ये मैश होती है या नेट होती है, इट इज अ नेट ऑफ वायर, इट सर्व्स एज अ ग्राउंड जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को रिड्यूस करती है। और फिर उसके बाद एक आउटर इंसुलेटिंग मटेरियल होती है जो कि कॉपर मैश को कवर करती है, ठीक है। लेयर जो है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से की इंटरफेरेंस से प्रोटेक्ट करती है, एंड होल केबल इज प्रोटेक्टेड बाय अ प्लास्टिक कवर, ठीक है, पूरी केबल प्लास्टिक कवर की होती है, ये जैसे आप लोगों को यहाँ पे ये दिख रही है, सही है। नेक्स्ट आ जाता है कोएक्सियल केबल में ही कि कोएक्सियल केबल लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए यूज होती है, सही है, जिसमें इसकी मेनली यूज कहाँ होती है, केबल टीवी में, टेलीफोन नेटवर्क में या लोकल एरिया नेटवर्क में। अच्छा, इट प्रोवाइड्स वेरी हाई क्वालिटी डेटा ट्रांसमिशन विदाउट डिस्टॉर्शन और लॉस, यानी कि जो आपका डेटा है वो ना ही डिस्टॉर्ट, यानी डिस्टॉर्ट का मतलब है कुछ अनवांटेड सिग्नल्स का आपके ओरिजिनल सिग्नल्स में आके मिल जाना, ठीक है, इससे डेटा डिस्टॉर्ट हो जाता है, या डेटा लॉस का मतलब है कि डेटा आपका जो सेंडर से रिसीवर के दरमियान इन वायर्स के जरिए जा रहा था वो बीच में लॉस हो गया, कुछ डेटा बीच में मिस हो गया, किस वजह से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस की वजह से, ठीक है। इस चीज को
जो है ये बहुत हाई क्वालिटी डाटा ट्रांसमिशन कौन देता है? कोएक्सियल केबल देता है, और इन चीजों को नहीं होने देता. डाटा ट्रांसफर रेट विद वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, यानी कि ज्यादा तेजी से डाटा ट्रांसफर हो जाता है हाई फ्रीक्वेंसी के साथ. बैंडविड्थ कितनी है इसकी? 80 टाइम्स ग्रेटर देन ट्विस्टेड पेयर केबल. एंड इट्स इट ट्रांसमिट्स डाटा 10 to 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड. ये कुछ फिगर्स हैं, ये आपको एज इट इज याद करनी होगी, ठीक है. इट इज मोर एक्सपेंसिव देन ट्विस्टेड पेयर केबल, ज्यादा महंगी है ये, कॉस्टली है, ठीक है. नेक्स्ट आ जाती है केबल, वो है फाइबर ऑप्टिक केबल. फाइबर ऑप्टिक केबल इज अ वेरी फास्ट कम्युनिकेशन मीडियम, बहुत फास्ट है, सही है. आजकल जो है ना हमारी इंटरनेट के लिए जो फाइबर ऑप्टिक केबल का इस्तेमाल करने किया जा रहा है, आजकल ऐसी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं और वो ये क्लेम करती हैं कि वो बहुत फास्ट इंटरनेट बैंडविड्थ प्रोवाइड करेगी, ठीक है. अच्छा, वो किस लिए? क्योंकि फाइबर ऑप्टिक केबल का इस्तेमाल हो रहा है. अच्छा, इसमें हंड्रेड या थाउजेंड ऑफ थिन स्ट्रैंड होते हैं, थिन थ्रेड्स होते हैं, स्ट्रैंड या थ्रेड्स होते हैं, किस चीज के? ग्लास के या प्लास्टिक के. अच्छा, इसकी एक इमेज है कि जैसे ये इमेज आपको शो हो रही है, इसमें एक्चुअली होता यह है कि ये जो है ना ये चीज, ये वो थिन स्ट्रैंड है, या इसको आप कोर भी कहते हैं, या इसको स्ट्रैंड भी कहते हैं, इसको फाइबर ऑप्टिकल फाइबर भी कहते हैं. ये इतना थिन होता है, यानी इतना बारीक होता है जितना एक इंसानी बाल, ठीक है, इंसान का बाल, ये जो हमारे हेयर्स हैं, एक हेयर के एक बराबर इसका जो इतना बारीक होता है. इसके ऊपर फिर होती है ये क्लेडिंग. ये क्लेडिंग क्या होती है? ये क्लेडिंग हर ऑप्टिकल फाइबर, अब ये एक ऑप्टिकल फाइबर को आपका, आपको एक ऑप्टिकल फाइबर का स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, ऐसे हंड्रेड्स और थाउजेंड्स होते हैं एक केबल के अंदर. अच्छा, इसके बाद होती है क्लेडिंग. क्लेडिंग इस ग्लास को या इस कोर को कवर करती है, फिर क्लेडिंग को प्रोटेक्ट करती है जैकेट. ये जैकेट प्लास्टिक की जैकेट होती है, ठीक है. इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी क्या है? इसके अंदर डाटा कैसे ट्रांसमिट होता है? यूजिंग लाइट, ठीक है. इसके अंदर लाइट वेव्स ट्रांसमिट होती हैं. ट्विस्टेड पेयर केबल में हमने क्या देखा था? एनालॉग की फॉर्म में डाटा ट्रांसमिट होता है, जबकि इसके अंदर लाइट की सूरत में होता है. कैसे होता है? कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है? आपने पढ़ी होगी मैट्रिक में लाइट की रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन क्या होता है? कि लाइट आई और उसके बाद रिफ्लेक्ट कर गई, सही है. ये रिफ्रैक्शन का था आपके पास कॉन्सेप्ट जब आपने फिजिक्स में पढ़ा हो, या ठीक है, ये आपके पास है. ये लाइट, अगर लाइट वेव आती है तो रिफ्रैक्ट का मतलब है टकरा के वापस मुड़ गई, जबकि रिफ्लेक्ट क्या थी? लाइट वेव आई, टकराई और थोड़े से डिस्टेंस के बाद आगे पास कर गई. रिफ्लेक्ट पास करना होता है और रिफ्रैक्ट मुड़ जाना होता है, ठीक है. रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि या तो लाइट वेव इसके अंदर पास कर जाती है या रिफ्लेक्ट कर जाती है. इसका क्या मतलब है? एक्चुअली होता यह है, ये फॉर एग्जाम्पल आपकी थिन स्ट्रैंड है, मैंने बहुत बड़ा बना दिया है लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए. लाइट वेव इसके अंदर यहां से एंटर हुई, ठीक है, ये रिफ्रैक्ट कर गई, इधर टकराई रिफ्रैक्ट कर गई, इधर टकराई रिफ्रैक्ट कर गई, इधर टकराई, ये रिफ्रैक्शन हो रही है, ठीक है, ये रिफ्रैक्शन हो रही है. इस कॉन्सेप्ट को लेके जो है आपका सारा क्या कहते हैं, आपका जो है ना, इस कॉन्सेप्ट के साथ आपका जो डाटा है वो ट्रांसमिट होता है इन फॉर्म ऑफ लाइट वेव्स, सही है जी. अच्छा, इसके अंदर अगर आप गौर करें, इन्होंने एक लफ्ज यूज किया है रिफ्रैक्शन, आइदर पास और रिफ्लेक्ट लाइट. रिफ्लेक्ट का भी लफ्ज यूज कर दिया हमने अभी बात की कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, कि लाइट पास आई टकरा के वापस हो जाएगी, और रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है? कि टकराने के बाद पास कर जाएगी, ठीक है. तो अच्छा, रिफ्रैक्शन क्या कह रहा है? एक्चुअली ये जो है ना, इस चीज को, इस टर्म को, रिफ्रैक्शन को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं. आप इसको देखिएगा, सर्च कीजिएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यही कॉन्सेप्ट है, सही है. अच्छा, अब आगे देखते हैं अगर कि इट ट्रांसमिट्स डाटा इन लाइट वेव्स. लाइट की सूरत में डाटा ट्रांसमिट होता है. इसमें कन्वर्टर यूज होते हैं, जैसे हमने पहले बात की कि हमारा जो कंप्यूटर है वो तो डिजिटल सिग्नल्स को सिर्फ डिजिटल सिग्नल्स के साथ डील करता है, तो हमारा सेंडर और रिसीवर दोनों कंप्यूटर है, ये तो डिजिटल सिग्नल्स के साथ करते हैं. जबकि अब हम जो कम्युनिकेशन मीडिया या चैनल यूज कर रहे हैं, जो कि है ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिक केबल्स, ये तो लाइट वेव्स को करती है,
तो कोई ना कोई ऐसा कन्वर्टर होना चाहिए दोनों साइडों पे जो सेंडर की साइड पे क्या करे, डिजिटल टू लाइट वेव्स कन्वर्जन करे, डिजिटल से लाइट में, और फिर वो लाइट वेव ट्रांसमिट होती फाइबर ऑप्टिक के जरिए जब रिसीवर तक पहुंचे तो रिसीवर उस लाइट वेव्स को वापस डिजिटल में, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दे ताकि रिसीवर कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके उस मैसेज को. ठीक है, फाइबर ऑप्टिक केबल प्रोवाइड्स हाई क्वालिटी ट्रांसमिशन एट वेरी हाई स्पीड, बहुत हाई स्पीड देती है, यानी कि ये अप टू बिलियंस बिट्स पर सेकेंड, यानी यूजली 1 गीगाबिट्स पर सेकेंड या 2 गीगाबिट्स पर सेकेंड, गीगाबिट्स की सूरत में ये हमें क्वालिटी प्रोवाइड करती है. अच्छा, ट्रांसमिशन नॉट इफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये इफेक्ट नहीं करती, सही है. अच्छा, ट्रांसमिशन क्या है, दोनों तरह हो सकती है, बोथ एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स में, क्योंकि उसने लाइट में कन्वर्ट होना है. अच्छा, मोर रिलायबल एंड हैज लोअर डाटा ट्रांसमिशन एरर्स, कम एरर्स होते हैं, इट इज एक्सपेंसिव, महंगी है, कॉस्टली है एंड डिफिकल्ट टू इंस्टॉल, इसको बहुत मुश्किल है इंस्टॉल करना. आपको पता है ये फाइबर ऑप्टिक केबल्स को ना जमीन के अंदर खुदाई करके प्रॉपर जमीनों के अंदर जो है ना इसको तारे बिछाई जाती है और फिर उस तार के ऊपर मिट्टी जब डाली जाती है ना तो फिर कुछ कलर्ड सैंड वो डाल दी जाती है ताकि इन फ्यूचर अगर कभी, क्योंकि ये बिल्कुल बिल्कुल बारीक बारीक ये ग्लास की स्टैंड होती है ना तो इनको बहुत ये इनको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है. तो फिर इसके ऊपर जो है ना जिस मिट्टी में जब दबाई जाती है, जब इसको जमीन में गाड़ा जाता है इन तारों को, इनको आम हम खंभे लगा के नहीं लगा सकते, ये अंडरग्राउंड होती है, फिर इसके ऊपर सारी सैंड कलर्ड सैंड डाली जाती है कि इन केस अगर कभी कोई किसी काम के सिलसिले में खुदाई हो तो जैसे ही कलर्ड सैंड आ जाए खुदाई करते करते, समझ जाओ इसके नीचे तारे आ रहे हैं, तो जरा मुहतात हो जाओ. ठीक है, तो इसको बहरहाल जरा इसको इंस्टॉल करना मुश्किल होता है. इसकी आजकल एप्लीकेशन कहाँ है, बहुत सारे टेलीफोन्स या केबल टीवी कंपनीज, केबल टीवीज का तो बहुत सुना है हमने, बल्कि आजकल इंटरनेट जो है केबल टीवी कंपनीज जो है इंटरनेट भी प्रोवाइड कर रही है जो कि फाइबर ऑप्टिक केबल यूज करती है. इन नियर फ्यूचर ऑल कम्युनिकेशन सिस्टम्स विल यूज, आने वाले वक्त में सारे कम्युनिकेशन सिस्टम्स जो है वो फाइबर ऑप्टिक केबल पे ही चलेंगे. इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है वो अब अनगाइडेड मीडिया स्टार्ट हो गया. अनगाइडेड मीडिया में सबसे पहला है माइक्रोवेव. माइक्रोवेव एक्चुअली रेडियो वेव्स ही होती हैं, यानी ये हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स को माइक्रोवेव बोलते हैं. ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स जो होती हैं ये बहुत हाई स्पीड ट्रांसमिशन फ्राहम करती हैं. सही है, ये तब यूज होती हैं जब आपके पास पॉसिबल नहीं होता, डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है कि आप इसके कोई बाउंडेड मीडिया इस्तेमाल करें, यानी कोई तारे बिछा सके, तब ये जब आप अनगाइडेड मीडिया का इस्तेमाल ही उस वक्त होता है. ठीक है, इसमें क्या होता है, लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन होती है थ्रू स्पेस. लाइन ऑफ साइट का क्या मतलब है कि डाटा सिग्नल्स सिर्फ एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल कर सकते हैं, कहीं मुड़ेंगे नहीं. जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये एक सिंगल स्ट्रेट लाइन है, ये बेंड नहीं हो रहे, यहाँ पे सिंगल स्ट्रेट लाइन में डाटा सिग्नल्स मूव कर रहे हैं, बेंड नहीं हो रहे. इसकी बहुत लाइन ऑफ साइट की अगर आपने एग्जाम्पल लेना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी एग्जाम्पल है आपका टीवी रिमोट. आप अगर टीवी का रिमोट जब तक टीवी के सामने करके आप जो वॉल्यूम बढ़ाना है या चैनल चेंज करना है, जो भी बटन प्रेस करते हैं टीवी के सामने करके करेंगे, लाइन ऑफ साइट आपकी मेंटेन हुई होगी टीवी की और रिमोट की, तब तक काम करेगा. जैसे ही लाइन ऑफ साइट हटी, आपने रिमोट की डायरेक्शन चेंज कर दी, तो रिमोट काम नहीं करता. इसी तरह एसी का रिमोट भी वो काम नहीं करता. और क्यों, मसला क्या होता है कि जो डाटा सिग्नल्स आप भेज रहे हैं वो उसकी जो वेव्स हैं वो बेंड नहीं होती, डाटा सिग्नल्स बेंड नहीं होते, वो लाइन ऑफ साइट आपको मेंटेन करनी पड़ती है. ठीक है, लाइन ऑफ साइट की इधर से समझ आ गई. नेक्स्ट आता है माइक्रोवेव स्टेशन. इसके कुछ हम जरा कंपोनेंट्स देख रहे हैं, ये कुछ स्टेशन होते हैं, इनको रिले स्टेशन भी बोलते हैं, माइक्रोवेव स्टेशन भी बोलते हैं, बूस्टर भी बोलते हैं, ये सारे नाम आपने इसके याद रखने हैं. ठीक है, डाटा इसके इधर से ही डाटा ट्रांसमिट भी होता है और रिसीव भी होता है. ये जो आपको दिख रहे हैं ना ये वाले स्टेशन, ये मुख्तलिफ स्टेशन होते हैं, इनको रिले स्टेशन, माइक्रोवेव स्टेशन या बूस्टर्स भी बोलते हैं, ये मुख्तलिफ लगे होते हैं. एक्चुअली आपको पता ना दुनिया गोल है, सही है, इसीलिए इन्होंने अर्थ को थोड़ा सा कर्व बनाया. अगर तो दुनिया सीधी होती, अर्थ सीधा होता, तो एक आप इधर माइक्रोवेव स्टेशन लगा देते, ठीक है, अर्थ स्टेशन, एक आप सेंडर साइड पे, एक रिसीवर साइड पे लगा देते. ये आपका सेंडर साइड है, ये आपका रिसीवर साइड है, तो आप इस तरह से लाइन ऑफ साइट के जरिए मैसेज भिजवा देते. लेकिन चूंकि आपको पता है कि दुनिया गोल है,
तो इसका मतलब है कि दुनिया में मल्टीपल आपके पास रिले स्टेशन या माइक्रोवेव स्टेशन हो, तभी आप, क्योंकि चूंकि इसमें तो लाइन ऑफ साइट में क्रिएट कर, लाइन ऑफ साइट में ही डाटा ट्रांसमिट करना है, विदाउट लाइन ऑफ साइट ये कर नहीं सकता, इसलिए आपको बीच में इंटरमीडिएट मल्टीपल रिले स्टेशन चाहिए होंगे, सही है, ताकि आप रिसीवर तक अपना डाटा पहुंचा सके, अपने सिग्नल पहुंचा सके। अच्छा, हर रिले स्टेशन के ऊपर एक एंटीना होता है, सही है, और उस एंटीना में क्या होता है कि एंटीना होता है, ट्रांसमीटर, रिसीवर और कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं। ये रिले स्टेशन खाली एक आप ये ना समझें कि एक खंबा सा लगा होता है, इसके ऊपर भी मुख्तलिफ चीजें होती हैं। एंटीना कहाँ पे इंस्टॉल होता है, किसी बिल्डिंग की छतों पे, ठीक है, हाई टावर्स पे, अर्थ से, जमीन से 40-50 feet का उसका डिस्टेंस होता है, यानी ये अर्थ है ना, अर्थ सर्फेस, यहाँ से ये इस टावर के टॉप पे, रिले स्टेशन के टॉप पे एंटीना होता है, ये 40-50 feet का डिस्टेंस होता है, ठीक है, हर एंटीना का अर्थ सरफेस से डिस्टेंस ऑफ एंटीना, आपस में डिस्टेंस कितना होता है एक एंटीना से दूसरे एंटीना के दरमियान में, वो होता है 20-30 miles, ठीक है, 20-30 miles तक का डिस्टेंस होता है एक रिले स्टेशन का दूसरे रिले स्टेशन से। अच्छा, मैनी रिले स्टेशन या बूस्टर्स बिटवीन अर्थ सेंडर एंड रिसीवर, जिस तरह आपको बताया कि दुनिया गोल है, तो आप सिर्फ ये नहीं हो सकता एक रिले स्टेशन सेंडर में आ जाए, एक रिसीवर के पास हो और वो दोनों आपस में कम्युनिकेट कर लें, चूंकि लाइन ऑफ साइट मेंटेन करनी पड़ती है। तो इसका हल क्या है कि आपके पास इंटरमीडिएट दरमियान में बहुत सारे रिले स्टेशन आ सकते हैं, बहुत सारे बूस्टर्स आएंगे। अब ये वर्किंग कैसे होगी इसकी, ये डाटा कैसे ट्रांसमिट करेंगे, एक रिले स्टेशन से दूसरे रिले स्टेशन के दरमियान डाटा ट्रांसमिट करते करते सेंडर से रिसीवर तक पहुंच जाएगा। हर रिले स्टेशन डाटा सिग्नल रिसीव करेगा, जैसे ये रिले स्टेशन है, इसने अपने प्रीवियस रिले स्टेशन से डाटा सिग्नल रिसीव किया, उसको एम्पलीफाई यानी बूस्ट, उसको एम्पलीफाई किया या बूस्ट किया, ठीक है, उसको एम्पलीफाई किया है या बूस्ट किया है, यानी सिग्नल को बढ़ाया, क्योंकि आपको पता है वेव्स की सूरत में वेव्स कुछ टाइम के बाद जाके उन वेव्स का फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है ट्रेवल करते करते, जैसे इधर अभी फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी, वो करते 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 कम हो गई, ठीक है, तो इसको बूस्ट करने के लिए फिर आप अगला रिले स्टेशन आ गया, उस अगले रिले स्टेशन ने उसको फिर से बूस्ट कर दिया उस सिग्नल को, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अगले रिले स्टेशन तक पहुंचते पहुंचेगा और वो उसको रिट्रांसमिट कर देगा, और करते करते सेफली आपका डाटा सिग्नल्स लॉन्गर डिस्टेंस पे ट्रांसमिट हो जाएंगे, डाटा ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस इस तरह से पॉसिबल होगी। सो ये नेक्स्ट आ जाता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट, इसमें सैटेलाइट इन्वॉल्व हो जाते हैं। सैटेलाइट क्या है, ये भी लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन ही होती है, और ये इसकी वेरी बहुत ज्यादा फास्ट डाटा ट्रांसमिशन स्पीड होती है, इसमें सैटेलाइट्स होते हैं और बहुत सारे अर्थ स्टेशन होते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट को पहले देख लेते हैं, ये सैटेलाइट एक स्पेस स्टेशन होता है, अक्सर आपने सैटेलाइट का लफ्ज सुना है ना। अच्छा, वैसे सैटेलाइट क्या होता है, कोई ऐसी चीज जो कि अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करे, अर्थ के गिर्द घूमे, सही है, स्पेस में जाके, उसको सैटेलाइट बोलते हैं। हमारा नेचुरल सैटेलाइट है मून, ये आपने पेपर में नहीं लिखना, इसको पेपर में नहीं लिखना, ये सिर्फ आपको बताने के लिए, सैटेलाइट का लफ्ज समझाने के लिए, हमारा बहुत नेचुरल है। देखें, अर्थ के गिर्द, हमारे अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है ना, अर्थ के गिर्द कौन घूमता है, मून, तो अर्थ का सैटेलाइट मून हुआ। सन के गिर्द कौन घूमते हैं, सारे प्लैनेट्स जिनमें अर्थ भी शामिल है, तो सन का सैटेलाइट अर्थ हुआ, ठीक है, ये सैटेलाइट नेचुरल सैटेलाइट्स की बात है। अब दुनिया में हमारे यहाँ पे इतनी एडवांसमेंट, इतनी जो है डेवलपमेंट हो गई है साइंस में, कि हम लोगों ने आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बना लिए हैं, और वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो कि मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए बनाए हैं, मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, उनको अर्थ के इर्द गिर्द छोड़ दिया है और वो अर्थ के गिर्द रिवॉल्व हो रहे हैं, सही है। उन, अब जो बात हो रही है उन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की हो रही है, सही है, उन जो के कम्युनिकेशन के लिए हम उनसे कम्युनिकेशन का फंक्शन जो है ना, कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज ले रहे हैं। अच्छा, इनको स्पेस स्टेशन भी बोलते हैं, सिर्फ इनको कम्युनिकेशन स्टेशन के अलावा स्पेस स्टेशन भी बोलते हैं। इट सर्व एज अ रिले स्टेशन, जिस तरह आपने माइक्रोवेव कम्युनिकेशन में रिले स्टेशन पढ़े थे, बिल्कुल उसी तरह से सर्व करते हैं। इनका डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू स्पेस कितना होता है, 22,300 miles, इतना डिस्टेंस होता है।
अब अर्थ स्टेशन की बात कर लेते हैं। अर्थ स्टेशन जो कि अर्थ के ऊपर मुख्तलिफ स्टेशन होते हैं, इनके ऊपर बिल्कुल रिले स्टेशन की तरह एंटीनाज होते हैं जो कि डाटा को सेंड एंड रिसीव करते हैं, डाटा सिग्नल्स को। सही, अब डाटा ट्रांसमिट कैसे होता है? सैटेलाइट माइक्रोवेव सिग्नल्स ही होते हैं, सेम वही सिग्नल्स होते हैं, बस इसके अंदर एक सैटेलाइट इन्वॉल्व हो गया है। अर्थ स्टेशन ने कोई, ये फॉर एग्जांपल सेंडर है, ये आपके पास रिसीवर है, यहां तक आपने पहुंचाना है अपना सिग्नल। डाटा सिग्नल एंटीना के जरिए सैटेलाइट तक जाएगा। सैटेलाइट जो है उस पहले अर्थ स्टेशन उसको एम्पलीफाई करेगा, ठीक है, सैटेलाइट तक जाएगा। सैटेलाइट उन सिग्नल्स को एम्पलीफाई करेगा यानी बूस्ट करेगा और उनको रीट्रांसमिट कर देगा टू अनदर अर्थ स्टेशन। वो अर्थ स्टेशन जो कि रिसीवर के करीब तरीन होगा, वो अर्थ स्टेशन हो सकता है थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे हो, बहुत दूर हो सेंडर जो पहले अर्थ स्टेशन से। सही है, तो इसलिए लॉन्ग डिस्टेंसेस पे कम्युनिकेशन कैसे पॉसिबल हो रही है? सैटेलाइट के जरिए। सही है, विच कैन बी, अच्छा, एंटायर प्रोसेस, ये पूरा प्रोसेस अब कितना लंबा चौड़ा सुनने में लग रहा है कि पहले एक अर्थ स्टेशन से सैटेलाइट तक गया और सैटेलाइट ने उस सिग्नल को बूस्ट करके दूसरे अर्थ स्टेशन पे भेज दिया, तो ये सिर्फ जो है ना फ्यू सेकेंड्स लेता है, कुछ सेकेंड्स में ये सारा काम हो जाता है, इतनी एडवांसमेंट हो गई है। आजकल हमारे ना जो हमारी बाकी जो अगर हम बात करें हम सेलुलर मोबाइल सिस्टम की बात करें यानी मोबाइल फोन्स की बात करें, तो यू फोन वगैरह जितने हैं ये सारे माइक्रोवेव सिस्टम्स का ही, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो टेलीनॉर है ना वो सैटेलाइट पर चलता है, तभी तो अक्सर आप लोगों ने सुना है कि टेलीनॉर के सिग्नल नहीं जाते। आप चाहे उसको लेके नॉर्दर्न एरियाज में चले जाएं, चाहे आप उसको लेके कहीं दूर गाँव वगैरह में चले जाएं, दूर दराज एरियाज में, अक्सर किसी गाँव वगैरह में जाए तो यूफोन के तो सिग्नल अक्सर ही गए होते हैं ना, तो इनके सिग्नल्स नहीं जाते टेलीनॉर वगैरह के, क्योंकि वो क्या वजह है कि वो सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम है। सैटेलाइट में क्या होता है, अच्छा इसमें एक कॉन्सेप्ट रह गया, ये मैं पीछे डायग्राम से ही बता देती हूँ। हाँ जी, इसमें एक्चुअली होता ये है कि जब अर्थ स्टेशन से सैटेलाइट तक डाटा सिग्नल जाता है, इसको बोलते हैं अपलिंकिंग, ठीक है। और सैटेलाइट से जब किसी अर्थ स्टेशन तक डाटा सिग्नल आता है वापस, उसको बोलते हैं डाउनलिंकिंग। सही है, ये इसको देखें जरा नेक्स्ट, ये इस कॉन्सेप्ट को। हाँ जी, ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स फ्रॉम अर्थ स्टेशन टू सैटेलाइट स्टेशन या स्पेस स्टेशन, उसको अपलिंकिंग बोलते हैं। और फ्रॉम सैटेलाइट स्टेशन टू अर्थ स्टेशन जब डाटा ट्रांसमिट होता है, वापस आता है, उसको डाउनलिंकिंग बोलते हैं। अच्छा, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा कैन बी कम्युनिकेटेड एट वंस, एक साथ बहुत ज्यादा डाटा भेज सकते हैं, लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है? ये एडवांटेज था, डिसएडवांटेज है बैड वेदर कैन अफेक्ट, मौसम खराब हो जाए आपका सैटेलाइट ट्रांसमिशन की क्वालिटी इफेक्ट करेगी। वेरी कॉस्टली टू इंस्टॉल, क्योंकि आपको एक सैटेलाइट इंस्टॉल करना, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, बहुत कॉस्टली होता है, एंड टू मेंटेन। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है मोबाइल कम्युनिकेशन। मोबाइल कम्युनिकेशन रेडियो बेस्ड नेटवर्क होता है, ठीक है, इट सेंड्स एंड रिसीव डाटा टू एंड फ्रॉम मोबाइल कंप्यूटर्स एंड कम्युनिकेटेड थ्रू रेडियो सिग्नल्स। सही है, रेडियो सिग्नल्स के साथ इनकी कम्युनिकेशन होती है। नेक्स्ट आ जाता है मॉडम, नेक्स्ट टॉपिक है मॉडम। मॉडम क्या होता है? मॉडम होता है मॉड्यूलेटर, मॉडम का एम ओ फॉर मॉड्यूलेटर, डीई एम फॉर डी मॉड्यूलेटर। तो मॉड्यूलेटर का एम ओ और डीई एम का, डी मॉड्यूलेटर का डीई एम, ये मिला के एक लफ्ज बन गया मॉडम, ठीक है। कम्युनिकेशन डिवाइस है एक, जो कि क्या करती है, एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स और डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देती है। अच्छा, इनका कहाँ इस्तेमाल होता है? जब आप टेलीफोन लाइन के जरिए डाटा सेंड एंड रिसीव कर रहे होते हैं, आपके पास जब टेलीफोन लाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दोनों साइडों पे मॉडम का होना जरूरी है। डायलअप मॉडम का क्या तरीकाकार है, कैसे वर्किंग है, आपको पता है कि कंप्यूटर ने, यानी कि सेंडर या रिसीवर, ये कंप्यूटर ही होंगे ना कोई, जिनके जरिए आप सेंड या रिसीव कर रहे हैं, कंप्यूटर ने क्या करना है कि हमेशा डाटा डिजिटल सिग्नल्स में ट्रांसमिट करना है। डिजिटल सिग्नल्स हैं कंप्यूटर के अंदर, डाटा डिजिटल फॉर्म में होगा, जबकि आप जब टेलीफोन लाइन का इस्तेमाल करते हैं तो डाटा हमेशा इसमें एनालॉग सिग्नल्स में होगा। तो जब आपने सेंडर से रिसीवर तक डाटा भेजना है तो दो तरह के सिग्नल्स इन्वॉल्व हो गए, डिजिटल और एनालॉग। मॉड्यूलेशन क्या करता है, डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट करता है, यहाँ पे मॉड्यूलेशन आ जाएगा। और डीमॉड्यूलेशन क्या करता है, जब सिग्नल रिसीवर तक पहुंच जाता है तो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है। सही है, अब नेक्स्ट आ जाता है इनके फीचर्स।
सबसे पहला फीचर है स्पीड, कि किस स्पीड से, किस रेट से डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन हो रही है या एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन हो रही है, उसे स्पीड बोलते हैं. ठीक है, कन्वर्जन करके डाटा जो है वो कम्युनिकेशन मीडिया पे ट्रांसमिट होना स्पीड कहलाता है. इसको बिट्स पर सेकंड पे मेजर करते हैं. आजकल मॉडम की स्पीड जो है ना 56 किलोबिट्स पर सेकंड है ओवर स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइंस. फिर आ जाते हैं सेल्फ टेस्टिंग, कि मॉडम टेस्टिंग भी कर रहा होता है साथ में, ये चेक करता है एनालॉग सिग्नल्स को और डिजिटल डिजिटल कनेक्शन को, खुद ही चेक कर रहा होता है कि कनेक्शन सही है. ठीक है, और इंटरनल सर्किट्स को भी साथ साथ चेक कर रहा होता है. इसके अलावा वॉइस ओवर डाटा, ये अलाउ करता है कि आप वॉइस कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए दोनों तरफ के जो मॉडम है, सेंडर और रिसीवर साइड के मॉडम, उनके अंदर ये फीचर होना लाजमी है. आगे ये टॉपिक है टाइप्स ऑफ मॉडम. इनमें सबसे पहले आ जाता है एक्सटर्नल मॉडम. ये एक्सटर्नल यूनिट होता है कंप्यूटर का. ये आपके पास कंप्यूटर है ना, अगर जो कंप्यूटर होता है सीपीयू आपका अलग है, तो एक एक्सटर्नल अलग से आपको ये मॉडम खरीदना पड़ता है और उसको कॉम वन या कॉम टू पोर्ट के साथ अटैच करना पड़ता है. ठीक है, इट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू टेलीफोन लाइन. टेलीफोन लाइन के साथ भी कनेक्टेड होता है थ्रू टेलीफोन वॉल जैक बाय अनदर केबल. सही है, एक्सटर्नल इसको पावर चाहिए होती है, एक्सटर्नल पावर सप्लाइड, यानी कि अलग से इसकी तार होती है, उसको अलग से कंप्यूटर की पावर पर नहीं, अलग से इसको जो है ना बिजली चाहिए होती है इसको. इट इज ईजी टू सेटअप, इट इज मोर एक्सपेंसिव, ज्यादा पैसे लगेंगे, मोर एडवांस फीचर्स, लेकिन ज्यादा फीचर्स मिल जाएंगे. हाई डाटा ट्रांसमिशन स्पीड, डाटा ज्यादा ट्रांसमिट किया जा सकता है, पोर्टेबल है, उठा के कहीं पे भी रख ले. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है एक्सटर्नल के बाद इंटरनल मॉडम. इंटरनल मॉडम एक सर्किट बोर्ड होता है या मॉडम कार्ड होता है, जो कि मदरबोर्ड के ऊपर, मदरबोर्ड आपको पता ना सीपीयू के अंदर एक बोर्ड होता है मदरबोर्ड, उसके अंदर ये एक्सपेंशन स्लॉट के उसकी एक्सपेंशन स्लॉट में इंसर्ट कर दिया जाता है. इसको आप एक दफा लगा लें, इसको बाद में मूव नहीं कर सकते, इसको पीसी के अंदर कहीं पे भी मूव नहीं किया जा सकता. इट इज डिफिकल्ट टू कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर भी नहीं कर सकते आप इसको, एक दफा लगा दिया सेट कर दिया बस ठीक है. अच्छा, मुश्किल है, कर सकते हैं लेकिन बहुत मुश्किल है. इट इज लेस एक्सपेंसिव देन एक्सटर्नल मॉडम बट स्लोअर ट्रांसमिशन रेट, ट्रांसमिशन रेट कम है इसकी. फिर आ जाते हैं वायरलेस मॉडम, जिसके अंदर एक मॉडम होता है और एक एंटीना होता है, या इसको रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉडम भी बोलते हैं. इट ट्रांसमिट्स डाटा सिग्नल थ्रू एयर इंस्टेड ऑफ केबल, हवा में डाटा सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है. इट इज यूज्ड विद लैपटॉप कंप्यूटर्स एंड ऑल्सो यूज्ड विद डेस्कटॉप कंप्यूटर्स फॉर कनेक्टिंग टू वायरलेस लैन. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, इसके साथ ही बल्कि आपका चैप्टर खत्म होता है, चैप्टर नंबर 3. इसके बाद आप जो है ना इस चैप्टर को अब आपने बुक खोलनी है और बुक से पढ़ना है. इस तरह से पॉइंट्स में पेपर में नहीं लिख के आना, बल्कि बुक खोल के प्रॉपर फॉर्म में इन सेंटेंसेस लिखना है. ये स्लाइड सिर्फ आपको ये टॉपिक समझाने के लिए थी, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए. सही है, अब बाकी चैप्टर्स आहिस्ता आहिस्ता आप नेक्स्ट लेक्चर्स में उनको गो थ्रू कर सकते हैं.